नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सनी वर्मा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सरप्राइज टेस्ट जिसके अंदर करंट अफेयर्स हैं। देखते हैं आप लोगों को कितनी नॉलेज है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है, अपनी नॉलेज चेक करेंगे आज के सेशन में सभी। ठीक है जी, मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में लेकर आया हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको पहले आंसर देने की कोशिश करनी है दोस्तों, ठीक है? तो हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे, अपना लेवल भी चेक करेंगे। तो एक बार कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, सेशन को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो अब कर देंगे। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन, लेकिन सबसे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो अनअकैडमी, दिस इज द लोगो, राइट? अनअकैडमी, इसके ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, लर्न फ्रॉम होम। ठीक है जी, क्राइसिस के टाइम पर आप लोगों को बाहर नहीं जाना है। हर्षवर्धन, गॉड ब्लेस यू। घर बैठे पढ़ाई करनी है तो दोस्तों लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे ताजा खाना खाइए, मम्मी का बना हुआ फ्रेश फूड एकदम खाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी, अनलिमिटेड एक्सेस, जिस फील्ड में आपने जाना है उसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया आपको, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। इधर उधर नहीं जाना है आपने, एक अनअकैडमी को आपने कॉन्फिडेंस दिखाना है। ठीक है जी, सभी सिलेबस के ऊपर एग्जॉस्टिव कवरेज है, उसके साथ साथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है दोस्तों, उसके साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, इसके साथ साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी है, और आपके मेंटोर से, आपके टीचर से, अपने एजुकेटर से आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और जो गलतियाँ उन्होंने की है आपने नहीं करनी है, क्या करना है जिससे कि आप कम टाइम में अच्छा अचीव कर सकें, ये सब कुछ आपको प्लस फीचर्स में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों 11 बजे 29 नवंबर 11 AM लाइव टेस्ट है। एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी ग्रुप के लिए भी, एन सीडीएस, एफकेन, सीएपीएफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए भी। यहां पर क्या होगा गाइज, आपने एनरोल करना है, फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं। जो फर्स्ट रैंकर आया उसको 15,000 के अमेजन वाउचर मिलेंगे, उसके साथ साथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर। ठीक है जी, तो आप लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक फ्री लाइव टेस्ट देना है। अगर आपने ये काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है, अगर आपने लाइव पढ़ना है अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो फ्री एग्जाम दीजिए एक। द डेट इज 29 नवंबर सुबह 11 बजे, संडे का दिन है उस दिन। ठीक है जी, एनडीए के बच्चे भी और सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ के कैंडिडेट्स भी, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, सबके लिए 15,000, 10,000 and 7,500 के अमेजन के ब्राउचर्स हैं रिस्पेक्टिवली। टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अर्पित चौधरी सर, मैथ्स के टीचर, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, राम स्वरूप जयानी, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। मयंक चौधरी, चतुर्वेदी, आई एम सॉरी, ये भी मैथ्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेशंस सर के आप अटेंड कर सकते हैं। गाइस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर आपने गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको मॉडल मिलेगा, ड्यूरेशन एंड द प्राइस चार्ट, 12 महीने का कोर्स 8,000 रुपीज़ में पड़ता है, इट मींस 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपीज़ का है, जिसके अंदर टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें भी डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपने रेफरल कोड में टीम अर्पित एंटर करना है लाइक दिस इन द कैपिटल लेटर्स एंड विद नो स्पेस, टीम अर्पित लाइक दिस। आप प्रोसीड टू पे पे जाएंगे, आपको मिलेगा डिस्काउंट, एंड जो 8,000 की कीमत थी वो रिड्यूस होकर हो जाएगी दोस्तों 7,200 की, 7,200 फॉर दी 12 मंथ्स, 1 ईयर राउंड, राइट? ठीक है जी, तो आज ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर भी है एंड ऐप स्टोर पर भी है आपके आईफोन पे, राइट? चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने टेस्ट पर अब। चलिए दोस्तों फटाफट से जवाब देने हैं, ठीक है जी, चलिए। एंड यहाँ कहीं ना, चलिए दोस्तों छोड़िए, ठीक है जी, आ गए सभी। हाँ
हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन। दिवांशु गॉड ब्लेस यू, हर्षवर्धन गॉड ब्लेस यू, मोहित पटेल गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, चलिए दोस्तों, यस ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एशियन एशियन मेंबर्स, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एशियन। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों, दिस वन इज सेकेंड। कहीं कहीं मिस्टेक दिखेगी, कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी। सो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन। द मोटो ऑफ एशियन, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। हमें बताना है इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, पहली दूसरी तीसरी, इट मीन सी, या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। शुभम वर्मा गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, पंकज कुमार जय हिंद, आदि जाधव बहुत दिनों बाद आए आदि आप, उत्कर्ष शर्मा ओके। हाँ जी, चलिए बताइए दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट एशियन के मामले में सही है, फटाफट से बताना है जल्दी से, 1 2 3 4, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अनिकेत वाघ, सव्यसाची। गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, इट मींस बी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स। इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग जिसके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बातें की जाती है। 8 अगस्त 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगस्त से आपके करंट अफेयर्स का दौर भी शुरू हो जाता है जिन्होंने एनडीए 1 देना है, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बैंकॉक के अंदर साइन किया गया था एशियन ब्लॉक का, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा उसके एशियन डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो भैया इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, उसके बाद दूसरे 10 मेंबर्स लाइक ब्रुनाई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम को ऐड किया गया। ये वही ब्लॉक है जहां पर साउथ चाइना सी के और साउथ में, जहां से चाइना अपनी इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है। द मोटो ऑफ द एशियन इज वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है ये ब्लॉक, और यहाँ पर टूरिज्म फ्लरिश भी करता है। ठीक है जी, चलिए मेंबरशिप कैसे मिलती है, जितने एक साल की मेंबरशिप है और ये रोटेशन में होता रहता है, अल्फाबेटिकली सेट किया गया है। ठीक है जी, चलिए स्पेयर हेड नेगोशिएशंस फॉर व्हाट कुड बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट, जहाँ से साइन हो सके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पैक्ट, इट मींस टैरिफ्स वगैरह सब रिड्यूस करके मेंबर स्टेट्स, यहाँ पर कहीं साउथ चाइना सी है, यहाँ पर आपका म्यांमार, इंडिया भी लगता है यहाँ कहीं पर। ठीक है जी, थाईलैंड, कंबोडिया, आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, फिलीपाइंस, राइट, ब्रुनाई इज हेयर। सिंगापुर इज हेयर, लाइक हेयर, मैं वही ढूंढ रहा था सिंगापुर कहाँ गया। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए ठीक है, चलिए चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आईएनएस वागीर। इट इज वन ऑफ द कावेरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75। वागीर हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ सैंड फिश, अ प्रीडेटरी मरीन स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज और आर करेक्ट, पहली दूसरी या दोनों ठीक है या इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ जी बताइए, गुड इवनिंग दिमाग से टेक, गुड इवनिंग। हाँ जी, आईएनएस वागीर,
चलें आगे, स्लाइड दिखाऊं, चलिए लीजिए, सॉरी लीजिए, कावेरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75। गाइस सरप्राइज टेस्ट है ये करंट अफेयर्स के ऊपर, या फिर आपके बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल, इन सब चीज़ों से, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक भी है, आपके मतलब के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आता हूँ दोस्तों आंसर के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही सही है, इंडियन नेवल शिप वागीर इज द फिफ्थ अमंग द सिक्स कावेरी क्लास सबमरीन, कावेरी क्लास सबमरीन्स। दूसरी वेसल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, कालवारी, कंधेरी, कारंज, वेला एंड वक्शीर, ठीक जी। लाइक कालवरी इट मीन्स टाइगर शार्क, वागेरी हैज बिन नेम्ड आफ्टर अ सैंड फिश जो कि प्रेडेटरी मरीन स्पीसीज है। स्कॉर्पिन क्लास ऑफ सबमरीन्स के ऊपर ये एस्टेब्लिश्ड है, डीजल इंजन ना, यस डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, यस मैं वही सोच रहा था। दिस क्लास ऑफ सबमरीन हैज डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम, दीज आर प्राइमरी अटैक सबमरीन्स ऑफ हंटर किलर विच मीन्स दे आर डिजाइन टू टारगेट एंड सिंक एडवर्सरी नेवल वेसल्स। सामने से जो कोई भी वेसल आएगा नीचे से हमने अटैक करना है, बस दुश्मन का है जहाज उसको फोड़ के डुबा देना है, ठीक है जी। ठीक है जी, हाँ जी हंसराज जी बताइए। अरे इतना बड़ा मैसेज आपका पहुंचाना ही पड़ेगा अब तो, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, चलिए चलिए शाबाश। क्वेश्चन थर्ड, स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग बायोडाइवर्सिटी वॉज रिसेंटली इन न्यूज एज अ न्यू जीनस ऑफ ट्री फ्रॉग फाउंड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ जी, केरला में, अंडमान निकोबार में, आसाम में, तमिलनाडु में, एंड ऑफकोर्स आप लोगों को इसके बारे में कम पता होगा लेकिन फिर भी स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग, ठीक है जी, स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग। चलिए जी, ये आपको मिलता है कहाँ, ऑप्शन बी इट मीन्स अंडमान एंड निकोबार। साइंटिस्ट हैज रिपोर्टेड अ न्यू जीनस ऑफ ट्री फ्रॉग फ्रॉम द अंडमान आइलैंड कॉल्ड द स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग। ट्री फ्रॉग, नेस्ट फ्रॉग, घोंसला बनाता है शायद ये। हाँ जी सभ्य साची सही कह रहे हो, यस करेंगे उसके ऊपर भी, बहुत सारी आपको डिमांड्स है सबमरीन्स के ऊपर भी है आपकी। अभी त्रियोद ने भी कुछ बोला था एक क्लास के लिए, एकदम स्किप हो गया। चलिए ठीक है जी, स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग अंडमान से इसकी न्यूज आ रही है, ठीक है। चलिए अंडमान निकोबार से ये पहला ट्री फ्रॉग का कुछ आया है यहाँ पर। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्वर्ण जयंती फेलोशिप। स्वर्ण जयंती फेलोशिप क्या है दोस्तों, सुना इसके बारे में, इट प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, द प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द सिलेक्टेड फेलोज आर कंसिडर्ड फॉर फंडिंग बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्व जो हमने कल पढ़ा था है ना, जो कि वुमेन साइंटिस्ट के लिए एक स्कीम निकाली है, राइट। बिल्कुल हाँ जी, करंट अफेयर्स जीएस आप पूरा कह सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, साइक्लोन्स की बस आपको प्रॉपर्टीज समझनी है, साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ठीक है जी। तो सर्ब वो उन बच्चों को
असिस्टेंस देगा, फंडिंग देगा जो अपनी प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। किसके चलते? स्वर्ण जयंती फेलोशिप। ठीक है, इसमें से आपने बतानी है स्टेटमेंट कौन सी सही है। ऑफकोर्स मैं आ जाता हूँ, ओनली टू इज करेक्ट। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम वॉज इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट इंडियाज 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वर्ण जयंती जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 50th ईयर। ठीक है जी, इट प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द सिलेक्टेड नंबर ऑफ यंग साइंटिस्ट विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अनेबल डेम टू परस्यू बेसिक रिसर्च। कहाँ पर? सर्व के अंदर। ये गाइज आपको स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि साइंटिस्ट को जो पिछले दौर से रिसर्च में लगे हुए हैं उनको फंडिंग देंगे और उनकी फंडिंग को और ज़्यादा अच्छा, उस फंडिंग से और ज़्यादा अच्छे रिसर्च कर सकते हैं वो। ठीक है जी, चलिए शाबाश। स्वर्ण जयंती कमेमोरेट कर रहे हैं आपके 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की क्या रोटेशन होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, लो टू हाई जाता है, हाई टू लो जाता है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। मैं कल बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। चलिए चलें आगे। चलिए, स्ट्रेट ऑफ डोवर इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फ्रांस और इटली के बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। अभी इससे पहले वाले सेशन में हमने डोवर की बात करी थी। राम राम जी धर्मेश चौधरी जी। या फ्रांस और इटली के बीच में है, जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में है, या फिर यूके एंड फ्रांस के बीच में है, बताइए दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ डोवर किसके बीच में है? ठीक है जी, ठीक है। मोहित पटेल, यस। चलिए, लव मध्य प्रदेश, लव इट टू मध्य प्रदेश एंड लव इट टू मोहित पटेल। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लिया मैंने दिवांशु, यस उसके ऊपर भी थी। बताइए स्टेट ऑफ डोवर दोस्तों कितना टाइम लगता है एक ऑप्शन में, इस पर्टिकुलर सिंपल से आंसर में आपके। गाइस आपके यूके एंड फ्रांस के बीच में, यूके एंड फ्रांस के बीच में, ये है ना इंग्लैंड, ये है आपका फ्रांस, ये इंग्लिश चैनल है ना, यहाँ पर स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है जी, चलिए, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया चाइना जापान एंड द न्यूजीलैंड, इनमें से कौन इसका मेंबर नहीं है, RCEP का मेंबर नहीं है। इनविटेशन आई थी, रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं जाते, हमारी मर्जी। हाँ जी, हाँ जी, पंडित भारद्वाज जी, बिल्कुल। हाँ जी, हमें नहीं करना ट्रेड। द राइट आंसर इज इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 10 एसोसिएशंस ऑफ द साउथ एशियन मेंबर, वही आपके थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनाई, और उसके साथ साथ साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। क्वाड के लिए भी आया है ऑफर कि आइए इस ब्लॉक में अपनी प्रेजेंस दिखाइए, चाओ साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चाइना को हमें पीछे ढकेलना है, वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, है ना। हमने बोला कि हम खुद कर लेंगे, जो भी चाइना का करना है हम खुद कर लेंगे। ठीक है, और झुंड में तो आते हैं लेकिन शेर अकेला ही आता है।
गलवान वैली में चाइनाकॉम ने अकेला ही, और चाइना के साथ उसके दूसरे दोस्त भी हैं, नाम लेना हम जरूरी नहीं समझते, ठीक है जी। तो शेर तो अकेला ही आता है और अकेला ही आ रहा है, ठीक है जी। तो नेगोशिएशंस ओवर द आरसीपी डील बिगेन इन 2012, इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस, बट वो बाद में निकल गया बाहर। टैरिफ्स के ऊपर कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा और कुछ ट्रेड नज़र आता दिख नहीं रहा। दिस पूरा का पूरा ब्लॉक आपका, ठीक है जी, आरसीईपी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड डील, 15 कंट्रीज, 2.2 बिलियन पीपल एंड 26.2 ट्रिलियन डॉलर्स का यहां पर ट्रेड, ठीक है जी, राइट। अटेंडेंस कम क्यों है आज, तो ज्यादा है इससे कम रहती है अक्सर। हाँ जी रजत ठाकुर जी आज ज़्यादा हैं, थैंक यू आप आए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020। इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर, जिसे आईवैक के नाम से जाना जाता है। इंडिया इज वन अमंग द 15 हाई बर्डन फोकस कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। हाई बर्डन डायरिया एंड निमोनिया को लेकर कंट्री बन तो जाए, लेकिन कंट्री वहाँ के लोगों को या नागरिक को या सिटीजन को नहीं बनाती, वहाँ के सिटीजन नागरिक वहाँ के लोग मिलके कंट्री को बनाते हैं। अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट जो कहा जा रहा है अच्छे के लिए वो कीजिए। बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाइए, उनके नरिशमेंट का न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, सर्दियों में बचाइए ताकि निमोनिया ना हो, गर्मियों में उनको लू में और गर्मी में बाहर जाने से रोकें ताकि डायरिया ना हो। तो गर्मी सर्दी एक्सट्रीम होती है यहाँ पर, और बाहर का भी मत खिलाइए, पानी भी साफ पीजिए ताकि डायरिया फिर ना हो, है ना। ठीक है जी, राइट। चलिए तो यहां पर दोस्तों द एनुअल निमोनिया एंड द डायरिया, निमोनिया के स्पेलिंग देख लीजिए, यही होते हैं और यही आपने लिखने। एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर आईवैक, 2009 में बनाया गया था। जहाँ जहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत है, जहाँ जहाँ पर डायरिया ज़्यादा होता है, जहाँ जिन एरियाज में निमोनिया ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी। ORS दिया जाता है, ठीक है, जिंक सप्लीमेंटेशन दिया जाता है ताकि बच्चों के बीच में डेथ ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। और COVID-19 के आने की वजह से प्रॉब्लम तो आप देख ही रहे हैं, राइट। वैक्सीन्स की आप समझ रहे हैं होड़ कैसी लगी हुई है। तो ये वो कंट्रीज है जहां पर हाई बर्डन फोकस कंट्रीज, जो ब्लू कंट्रीज के अंदर है, जो ब्लू कलर के अंदर, आई एम सॉरी, ठीक है जी। आपका अफ्रीका इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है, कैंसर भी यहाँ से जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार नहीं है इसमें, आपका बांग्लादेश, नेपाल भी नहीं है इसमें, श्रीलंका भी नहीं है, चाइना है, इंडोनेशिया है इसके अंदर, एंड आपका यस, है ना। ये वो कंट्रीज है जहाँ पर हाई बर्डन रहता है, इंडोनेशिया के लिए, यस यस यस, ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री। अब ये क्वेश्चन मुझे बता देगा कि आप में से कितनों ने मैप को बहुत अच्छे से देखा है।
इंडियन स्टेट्स कहाँ कहाँ पर बाउंड्री किनकी है किनकी नहीं है अभी पता लग जाएगा। बिहार की है किसी के साथ, हिमाचल की है, असम की है, हरियाणा की है या लैंडलॉक्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री, कौन नहीं करता है बाउंड्री शेयर? हाँ, हरियाणा आप लोगों ने बोल दिया, नहीं करता है हरियाणा। यस, हरियाणा लैंडलॉक्ड है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अब मुझे बताइए बिहार किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर, बिहार किसके साथ शेयर करता है बाउंड्री, किसके साथ करता है बिहार शेयर बाउंड्री? हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, आंसर आपने दे दिया, हरियाणा को आपने देख लिया, लैंडलॉक्ड है, नहीं करता शेयर, डन। बिहार किसके साथ करता है ये बताइए फटाफट से। हाँ जी दिवांशु कुमार, आप कह रहे हैं नेपाल के साथ करता है। हिमाचल किसके साथ कर रहा है? हिमाचल, हिमाचल, असम किस किस के साथ कर रहा है? हिमाचल किसके साथ कर रहा है? देखा अभी यहाँ पर आप लोग सोचने लग गए ना, किसके साथ कर रहा है किसके साथ नहीं कर रहा है, यही होता है गाइस, अक्सर यही होता है। यहाँ पर अगर अभी हरियाणा ना होता, मेघालय होता है, मणिपुर होता, तब तो टोटल कंफ्यूजन थी, फिर तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसको आंसर दें, लेकिन वो भी करते हैं। ये आ गया हमारा प्यारा हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप, राइट, गलती से एक लाइन खींच गई है बीच में। चलिए दोस्तों, ये है बिहार, ये कर रहा है नेपाल के साथ, ठीक है। ये बीच में चिकन नेक है, इसलिए बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है, बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है। ये है आपका असम, ये भाई साहब भूटान के साथ, एंड योर बांग्लादेश के साथ कर रहा है, राइट। असम विद द टू नेबर कंट्रीज, बिहार विद द वन कंट्री, बिहार विद वन नेबर कंट्री, हिमाचल विद चाइना वन कंट्री, उत्तराखंड विद टू कंट्रीज चाइना एंड द नेपाल, लाइक राइट, यूपी विद द वन कंट्री, हिमाचल विद द वन कंट्री ऑफ कोर्स, लद्दाख विद द वन कंट्री, योर जम्मू एंड कश्मीर विद द वन कंट्री नाउ, नाउ पहले दो था ना, यस। इधर से अरुणाचल की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका म्यांमार चाइना, ये भी दो कंट्री, ठीक है जी, ये तीन कंट्री, सॉरी बांग्लादेश इधर भूटान के साथ भी है, ठीक है जी। मेघालय आपका वन कंट्री, ठीक है जी। त्रिपुरा विद योर वन कंट्री, मिजोरम विद योर वन टू कंट्रीज मिजोरम, नागालैंड विद योर वन कंट्री ऑफ कोर्स, एंड मणिपुर विद वन कंट्री ऑफ कोर्स। सो मैक्सिमम आपका अरुणाचल शेयर करता है तीन कंट्रीज के साथ, भूटान के साथ, आपका चाइना के साथ, एंड म्यांमार के साथ, क्लियर, डन। असम विद नेपाल के साथ नहीं कर रहा भैया, असम, असम विद भूटान एंड बांग्लादेश हियर एंड भूटान, क्लियर है जी, अच्छे से देखना ओमीगल क्या होता है, ओमीगल होता क्या, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ करता है ना, यहाँ पर बिल्कुल करता है ना लद्दाख अफगानिस्तान के साथ भी, लेकिन यहाँ पे बीच में एलओसी आ जाती है ना दोस्तों, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन हम कर लेंगे, अभी करता है, यस करता है, लद्दाख भी करता है विद द टू कंट्रीज, आपका अफगानिस्तान के साथ एंड आपका चाइना के साथ, ठीक है, टू कंट्रीज, यस ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी। मैक्सिमम आपका इस साइड से कर रहा है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश विद थ्री कंट्रीज, राइट, यस। यस ठीक है, चलिए ठीक है जी, बस बार बार पढ़ते रहिए तब इम्प्रूवमेंट आएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुंडा रेबेलियन वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन द साउथ ऑफ रांची 1945, झारखंड स्टेट
was brought into existence by the Bihar Reorganization Act in on 15 November 1970, the birth anniversary of the legendary Bhagwan Birsa Munda. हाँ जी, अब आप सभी को पता है झारखंड 1970 में तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, है ना, 2001 में आया वो। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी सही है, दोनों की एक स्टेटमेंट, दोनों ही गलत है दोस्तों, सेकंड तो गलत थी। ठीक है, ठीक है मल्लिकार्जुन जी, बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने पहले भी लिया है वैसे। इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन द साउथ ऑफ रांची इन 1899-1900, जहां पर ब्रिटिश की लैंड पॉलिसीज के अगेंस्ट उन्होंने एक रिवोल्ट किया था, रेबेलियन में कन्वर्ट हो गए थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर द लैंड, किनकी, मुंडा ट्राइब्स की। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, द उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्ट एज द मूवमेंट केम टू बी कॉल्ड एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग मुंडा राज बाय ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों को निकालना है, वहाँ के जो लोकल्स हैं मुंडा ट्राइब है, उन्होंने उलगुलन नाम दिया, इट मीन्स ग्रेट रिवोल्ट, ग्रेट मूवमेंट, बाहर निकालो अंग्रेजों को, है ना। मुंडा यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस टू रोज पीपल, आर्गुइंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण एंड एस्टेब्लिशिंग अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, किसके, बिरसा मुंडा के अंदर। ठीक है, बिरसा फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डीकू एंड यूरोपियन पावर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है जी। और जो झारखंड है वो आया है 15 नवंबर 2000 के अंदर, ठीक है जी। चलिए, ये सेम डे है 15 नवंबर जब बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है जी। चलिए, रिसेंटली लोनार लेक वॉज इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या केरला। लोनार लेक कहाँ पर है, लोनार एस्टेरॉइड के टकराने के बाद एक क्रेटर लेक बनी, एक लेक उल्टा नहीं है स्टैम्प, वैसा नहीं है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग करो, इंटरेस्टिंग के चक्कर में या तो एग्जाम क्रैक करो या भैया टाइम पास करो, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है या लाइफ में मौज मस्ती ही करते रहना है, ठीक है जी। कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो टॉपर्स बनते हैं, वो इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आई। ठीक है जी, सो इंटरेस्टिंग के चक्कर में रहेंगे, टाइम पास करने के चक्कर में रहेंगे, तो दुनिया आगे निकल रही है और वो निकलती जाएगी। बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोनार लेक रामसार साइट्स के अंदर उसको ऐड किया गया। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स के ऊपर होता है, जहां पर वेटलैंड्स को बचाया जाता है, वहां का जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने की वहां पर कोशिश चलती रहती है। लोनार लेक जो कि डेक्कन प्लेटू के वोल्केनिक बसाल्ट रॉक में एस्टेब्लिश्ड है, जो कि एक मीटियोर के गिरने से, जो कि 35,000 से 50,000 साल पहले गिरा था, वहां पर जमीन धस गई है, बारिश हुई है, लेक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच फॉल्स अंडर द यूनिफाइड कंट्रोल ऑफ द मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। नाम सुन लो, देख लो कहाँ कहाँ पर चीजें जुड़ रही है, देख लो एक बार। इट इज ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर, क्रेटर का मतलब गड्ढा हो गया, पानी भर गया, लेक बन गई, ठीक है जी। इट इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट, जियो हेरिटेज रेफर्स टू द जियोलॉजिकल फीचर्स विच आर इनहेरिटेंटली और कल्चरली सिग्निफिकेंट, ऑफरिंग इनसाइट टू द अर्थ एवोल्यूशन और हिस्ट्री टू अर्थ साइंस, की भैया कैसे बनी चीजें, क्या हुआ यहाँ पर, कहाँ से बना है गड्ढा, धरती कैसे बनी है, क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या चेंजेस आए थे, इन सब चीजों से एक थ्रेड जोड़ सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा लाइक, ठीक है। तो जियो हेरिटेज साइट के अंदर ही आता है, इसके साथ साथ ये
रामसार साइट में भी आता है. दिस इज द सेकंड रामसार साइट इन महाराष्ट्र आफ्टर द नंदूर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो कि नासिक के अंदर है. ठीक है जी, चलिए. जतिन चौधरी आइए. ठीक है जी गाइस, बिरसा मुंडा जी के बारे में अभी तो हमने बताया कि बिरसा मुंडा जी ने साउथ ऑफ द रांची में एक रेवोल्यूशन चलाया अपने मुंडा ट्राइब्स के लोगों को मिलाकर. मुंडा ट्राइब्स, अब आप सभी को मालूम है, जंगल में रहती है ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलिंग करती है, अपने लैंड, उधर के वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनका कल्चर ही है. ठीक है, अब दोस्तों अंग्रेजों ने और लैंड होल्डर्स ने जमीन हड़पने की कोशिश करी तो बिरसा मुंडा जी ने रेबेलियंस इकट्ठे किए, है ना. बीहड़ में बागी होते हैं, सुनिए ना वो लाइन, बीहड़ में बागी होते हैं तो बागी होना वो जिसके हक को छीन लिया जाता है. मेरी फेवरेट प्लेस है बीहड़. ठीक है, चलिए. तो जब झारखंड बनाया गया तो बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट किया गया और 15 नवंबर का दिन चुना गया 2000 के अंदर, ईयर 2000, Y2K, राइट. यस, कोमराम भीम, केवल्य नागले, केवल्य इज ऑलवेज राइट. बीहड़ में बागी होते, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में. ठीक है जी, ये डायलॉग है मूवी का. पान सिंह तोमर, हाँ जी. ठीक है जी, डन हो गया, सेट है मामला. किसका नाम लूँ, नंदुनाथ लीजिए, नंदुनाथ को फेमस कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए नंदुनाथ जी के लिए. इन्होंने फेमस होना है, अपना नाम बुलवाना चाह रहे हैं. थैंक यू रोहित कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएं. मैं रोहित की बात का जवाब दे रहा हूँ. ठीक है जी, यस रोहित कुमार, यस बिल्कुल. वॉरफेयर के ऊपर करें गाइस, वॉरफेयर मैं आपको दिखा देता हूं. आप सोचें कि मैं आपको सोच कर या आपकी बातें सुनकर मैं बोल रहा हूं. जस्ट लेट मी शो यू, आई हैव दिस थिंग इन द लिस्ट राइट, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई हैव थिंग्स इन माय लिस्ट. लेट मी शो यू, आई एम शोइंग यू राइट. हाँ जी, दिस वन इफ यू कैन सी क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज. ठीक है, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हिस्ट्री और उनका फ्यूचर. उसके साथ साथ दोस्तों आपका 10 मोस्ट फियर्स बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, 10 मोस्ट बैटल ग्राउंड. जब बैटल ग्राउंड की बात होगी तो गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है, जंगल वॉरफेयर क्या है, एम्बुश क्या है. ठीक है, वॉर टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे. फोकस ऑफ कोर्स. ठीक है, दिखाया मैंने जतिन चौधरी, बता दिया मैंने आपको, दिख गया. हाँ जी, चले दोस्तों, बहुत जबरदस्त कमर दुख रही है, जब भी झुक रहा हूँ तो पटाखे बज रहे हैं. ठीक है, कट कट करके बोल रही है. हाँ, दिख गए आप तो, मैंने बता दिया आपको. बैटल ऑफ हल्दी घाटी के ऊपर मैंने ले ली थी क्लास. ठीक है जी, चलिए. ठीक है जी, क्वेश्चंस सभी ने कर लिए, मामला सेट हो गया.
कुछ नई बातें देखने को मिली, जानने को मिली। गिव मी अ लाउड चेयर, उसके बाद मैं साइन ऑफ करता हूं दोस्तों। गिव मी अ लाउड चेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई लव असम, विश्वजीत राजक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सिखाया जाएगा। चले दोस्तों, गिव मी अ लाउड चेयर, शो मी सम इमोजीज, रेड हर्ट्स, क्लैपिंग, थम्स अप, केसेस। चलिए, चले दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स एंड द जनरल स्टडीज क्वेश्चन, एमसीक्यूज, राइट। चले दोस्तों, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।